एक बार फिर से MySQL में आपका स्वागत है। अब हम सीखते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस में सबसे पहले करेक्टर फंक्शन है। ये करेक्टर फंक्शन है, ये ASCII वैल्यू को करेक्टर के रूप में कन्वर्ट करता है। चलो इसको MySQL में करके देखते हैं। देखिए, सिलेक्ट ब्रैकेट में जो इसमें न्यूमेरिक वैल्यू दोगे वो इसने करेक्टर में कन्वर्ट करके दिखा देनी है। ये देखिए ASCII वैल्यू इसका, देखिए ए का 65 होता है, वो इसने बता दिया। अभी इसी तरीके से देखिए, ये CHAR इसमें 97 देके, देखिए ये देखिए स्मॉल लेटर का 97 होता है। इसी तरीके से आप इसके अंदर और कोई भी 0 से लेके 255 तक का कोई भी आप न्यूमेरिक वैल्यू देंगे तो उसका करेक्टर ASCII वैल्यू का करेक्टर ही डिस्प्ले कर देगा। चलिए अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन है हमारे पास कॉनकेट। कॉनकेट फंक्शन दो स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन करता है। तो इसके लिए अलग अलग दो स्ट्रिंग लेंगे और उसको कंबाइन करके देखते हैं। देखिए सिलेक्ट कॉनकेट, कॉनकेट। अब जैसे मान लो ये दो स्ट्रिंग है हमारे पास, अब इसको देखिए, इन दोनों स्ट्रिंग्स को जो दो अलग अलग थी उसको इसने कंबाइन करके दिखा दिया, दैट इज कॉनकेट फंक्शन। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन है हमारे पास लेंथ। तो लेंथ फंक्शन, कोई भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है उसकी कितनी लेंथ है, नंबर ऑफ करेक्टर्स उसमें कितने हैं, ये काउंट करके स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित करेगा। चलो इसको भी देखते हैं। देखिए सिलेक्ट लेंथ, जैसे केंद्रीय विद्यालय, इसकी लेंथ अपन देखते हैं। तो इसकी लेंथ 17 इसने दिखा दी। ठीक इसी तरीके से हम एक और ट्राई करते हैं, सिलेक्ट सेवन। तो लाइकवाइज इसी तरीके से लेंथ कैलकुलेट करके बताता है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। इसके बाद हमारा है लोअर या एलकेस फंक्शन। लोअर या एलकेस फंक्शन दी गई स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर्स में बदलता है। ठीक है, देखिए MySQL में सिलेक्ट एल केस, UMED, ये देख लो ये इसने स्मॉल में चेंज कर दिया है। अगर लोअर करके देखना चाहे तो लोअर भी करके देख सकते हैं, सिलेक्ट लोअर काम करता है। तो चाहे आप एलकेस करके देखिए चाहे लोअर करके देखिए, दोनों एक ही काम करते हैं। नेक्स्ट अगला फंक्शन है हमारा यूकेस या अपर। ये जो स्मॉल लेटर के अंदर स्ट्रिंग होगी उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है। चलो इसको भी करके देख लेते हैं। तो देखो सिलेक्ट अपर, ये देखिए इसने इस स्मॉल लेटर की स्ट्रिंग को ऊपर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से इसको यूकेस करके देख लीजिए,
ये माई एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, स्मॉल में लिखिए कैपिटल में लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये देखिए इसने इसको यूकेस यानी अपर लेटर के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक इसी तरीके से अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं अपन। अगला फंक्शन है हमारा ट्रिम। ये तीन तरह के फंक्शन है हमारे पास, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। एल ट्रिम फंक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड के ब्लैंक स्पेस रिमूव करता है, आर ट्रिम है वो राइट हैंड साइड के, और ट्रिम है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड के ब्लैंक स्पेस रिमूव करता है। चलो ये ट्रिम फंक्शन, फिर उसके बाद ये आर ट्रिम फंक्शन, फिर उसके बाद ये ट्रिम फंक्शन, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम, ये तीनों। चलो इस तीनों फंक्शंस को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए सिलेक्ट पहले आर ट्रिम, एल ट्रिम। अब ये ब्लैंक स्पेस मैंने दो तीन दिया और यहां पर ये उमेर दिया, ठीक है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी स्पेस थे इसने रिमूव कर दिए। इसी तरीके से सिलेक्ट आर ट्रिम, ठीक है, इसमें मैंने दिया, ये राइट हैंड साइड में स्पेस दे दिया, ये इसने रिमूव करके दिखाना है। अब देखो इसमें इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये स्पेस ये रिमूव कर चुका है। इसी तरीके से ट्रिम सिलेक्ट ट्रिम, इसके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड के मैंने स्पेस डाले हैं और इस कमांड के द्वारा दोनों स्पेस ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एल ट्रिम, आर ट्रिम और ये था हमारा। चलिए अब अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन हमारा है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है कि दी वी स्ट्रिंग के अंदर से स्टार्ट करेगा एक पोजीशन, एन पोजीशन से एम नंबर ऑफ करेक्टर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे ये माई कंप्यूटर है, इसमें चौथी पोजीशन से ये तीन करेक्टर निकाल रहा है, तो सी ओ एम पी इसने निकाला है, ठीक है। तो इसमें एक बात ध्यान रखने की है, जो बीच में अपन ब्लैंक स्पेस देते हैं वो भी एक करेक्टर के रूप में काउंट करता है। चलिए करके दिखाते हैं। सिलेक्ट सब एस टी आर माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर, इसके अंदर देखिए चौथी पोजीशन से हम तीन करेक्टर निकालना चाहते हैं, ये लीजिए, तो सी ओ एम इसने दिखा दिए, ठीक है। इसी तरीके से देखिए सिलेक्ट सब एस टी आर उमेद अली खान, तो इसमें हम पांचवी पोजीशन से तीन करेक्टर निकालते हैं, ये देखिए अली इसने निकाल दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सब str फंक्शन हम यूज करते हैं। अगला फंक्शन है हमारा इन स्ट्रिंग। ये किसी पर्टिकुलर दी हुई स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को ढूंढता है और उसका फर्स्ट करेक्टर है वो कहाँ कौन सी पोजीशन पे है वो बताएगा। चलिए इसको भी करके देखते हैं। सिलेक्ट इन स्ट्रिंग
ये देखिए, इसने इसका स्टार्टिंग करेक्टर यानी दैट इज फिफ्थ करेक्टर इसने बता दिया। अली स्ट्रिंग कहाँ है? इस स्ट्रिंग के पांचवे करेक्टर से शुरू हो रही है। ठीक है जी। इसी तरीके से अब हमारे पास तीन फंक्शन इसमें और है, वो है लेफ्ट, राइट और मिड। अभी सब एसटीआर फंक्शन किया था, वो मिड फंक्शन की तरह काम करता है। तो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड से स्ट्रिंग का पार्ट सेपरेट करेगा, राइट है वो राइट हैंड साइड से करेगा और मिड है वो बीच से करेगा। चलो इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, लेफ्ट राइट और मिड को। ये देखिए, सिलेक्ट लेफ्ट केंद्रीय। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से मैं फोर करेक्टर एक्सट्रैक्ट करता हूं, के एन डी। लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 के ई एन डी। इसी तरह से राइट हैंड साइड से करते हैं, सिलेक्ट लेफ्ट राइट केंद्रीय और इसमें से फोर करेक्टर यानी ये इधर से काउंट करेगा 1 2 3 4 यानी इसको करेंगे तो इसने रिया फोर करेक्टर इसने एक्सट्रैक्ट किए। ठीक है। अब इसी तरीके से मिड करते हैं, सिलेक्ट मिड केंद्रीय। अब इसमें मिड में देखिए डी आर आई हम इसमें से निकाल देते हैं। ठीक है। तो डी फोर्थ पोजीशन पे से हम थ्री करेक्टर लेते हैं, तो फोर्थ पोजीशन से थ्री करेक्टर ये लीजिए, डी आर आई हमारे सामने आ गया। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन का यूज किया। ये फंक्शन हम टेबल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंटैक्स का वही रहेगा। ठीक है। धन्यवाद।